दुनिया पे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, बट 2020 में चाइना के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरा विश्व ही लॉकडाउन में आ चुका था, हमारा इंडिया भी पूरा लॉकडाउन हो चुका था, पूरी दुनिया लॉकडाउन की कगार पर आकर खड़ी हो चुकी थी। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके नए से नए वेरिएंट निकल के सामने आते ही आ रहे हैं और हमारे इंडिया में ब्राजील अमेरिका जैसे देशों में डेल्टा वेरिएंट जो पाया जा रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है और ये हमारे इंडिया में ज्यादा पाया गया है और पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। बट अभी जो बात है ओमिक्रोन नाम का एक वेरिएंट, नया वेरिएंट निकल के सामने आ रहा है और डॉक्टर बता रहे हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है और ये साउथ अफ्रीका में पाया जा रहा है और इसे ज्यादा तादाद में लोग मार रहे हैं और डॉक्टर भी डर चुके हैं। डॉक्टरों का ये कहना है कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेस भी लगा ली है उस पर भी ये असर करता है, यानी कि डेल्टा वेरिएंट से ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक ये वेरिएंट नहीं आया है, लेकिन कल एक न्यूज़ को मिल रही थी कि साउथ अफ्रीका से आया एक व्यक्ति वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वो इसी वेरिएंट यानी कि ओमिक्रोन वेरिएंट का वेरिएंट से ही पॉजिटिव पाया गया है। आप सोच भी सकते कि ये ओमिक्रोन वेरिएंट नाम का वायरस कितना खतरनाक है और इससे पूरा विश्व भी ही नहीं बल्कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी डर चुकी है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है। और WHO क्यों डर चुकी है ये भी हम आपको बता रहे हैं। WHO तीन बातों से डर चुकी है, नंबर 1 म्यूटेशन है एंड नंबर 2 टेप ऑफ म्यूटेशन एंड नंबर 3 स्पीड ऑफ इट्स स्प्रेड, यानी कि ये वायरस ज़्यादा तादाद में लोगों को संक्रमित कर रहा है। आपने सुना कोरोना वायरस है उसका ही ये एक वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट भी उसका ही एक पार्ट था और ये भी कोरोना वायरस का ही एक पार्ट है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या वैक्सीन से इसे मारा जा सकता है, इसे बचा जा सकता है, वट कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक तरीका है जिससे हम इसे जीत हासिल कर रहे हैं। कोरोना वायरस का कोविड का एक हमने सूत्र फार्मूला हम अपना रहे थे, वही फार्मूला अगर हम इस पर अपनाएंगे तो शायद हम इससे बच सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर 2 मास्क पहन के रखें, ज़्यादा दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें और अपने हाथ सैनिटाइजर से हमेशा धोकर रखें। अभी ये सर्दी का मौसम है, इसमें फेस्टिवल ज़्यादा आ रहे हैं, मैरिज ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल हमारे सामने आ रहे हैं, पार्टी जा रही है, तो प्लीज़ कृपया करके आप इनसे थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हमेशा मास्क पहन के रखें। और हाँ, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है कृपया करके वैक्सीन जरूर लगवाएं, दोनों डोजेस वैक्सीन की अवश्य लगवाएं ताकि इस वायरस से बचा जा सके। हमारे देश में 2 वैक्सीन टॉप पे चल रही है, नंबर 1 कोवैक्सीन एंड नंबर 2 कोविशील्ड, जो इनमें कोई फर्क नहीं है, जो दोनों वैक्सीन कारगर हैं, बट जो कोविशील्ड है वो तो ब्रिटेन की है, जो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है, और जो कोवैक्सीन है वो हमारे इंडिया की भारत बायोटेक ने बनाया है। कृपया आप इस पर विश्वास रखें और दोनों डोज लगाएं। अगर आप कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लगवाते हैं तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड की ही लगवाएं, और अगर आप फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की लगवाते हैं तो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की ही लगवाएं ताकि आप इस वायरस से बच सकें और आप अपनी मिस्टेक से इस वेरिएंट के संक्रमण में आ सकते हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अगर इतना ज्यादा खतरनाक है तो ये उसका ही बाप है, उसका भी बाप है ये ओमिक्रोन वेरिएंट। मैं आपको डरा नहीं रहा बल्कि आपको बता रहा हूँ, आपको सतर्क कर रहा हूँ, पूरी दुनिया अलर्ट मोड पे आ चुकी है, तो कृपया आप भी अलर्ट मोड पे आ जाएं।
सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहन के रखें और हाथ सैनिटाइजर से धो कर रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, शेयर भी जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सतर्क कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।